हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियोवी न्यूज़। तो वक्त हो गया है दोपहर की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो चलिए जानते हैं आज दोपहर की बड़ी खबरें। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, देश में फैल रहे कोविड 19 के नए वेरिएंट से डरने की जरूरत नहीं। खबर है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में फैल रहा कोविड 19 का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, सतर्क रहना है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि नया वेरिएंट आने पर पता लगाते हैं कि हमारी वैक्सीन उस पर काम करती है या नहीं। हालांकि देश में अब तक मिले कोविड 19 वेरिएंट्स पर यह प्रभावशाली रही है। राजस्थान के बीकानेर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.2 रही तीव्रता। खबर है कि पिछले कुछ दिनों से देश में विभिन्न हिस्सों में भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं। रविवार सुबह राजस्थान के बीकानेर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.2 रही। भूकंप के झटके तड़के 2:16 पर महसूस किए गए और इसका केंद्र बीकानेर से 516 किलोमीटर दूर पश्चिम में रहा। इस भूकंप में किसी भी तरह के जान माल की कोई नुकसान की खबर नहीं है। जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान, बेलारूस में तैनात करेंगे परमाणु हथियार। खबर है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वह पड़ोसी बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेंगे। पुतिन ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका दशकों से अपने सहयोगियों के क्षेत्र में ऐसे हथियार रख रहा है। पुतिन ने यह भी धमकी दी कि अगर कीव को पश्चिमी देशों से ऐसे ही गोला बारूद मिलता रहा तो अंजाम ठीक नहीं होगा। धोखाधड़ी के मामले में चिट फंड कंपनी के चेयरमैन को एमपी में सुनाई गई 250 साल की सजा। खबर है कि मध्य प्रदेश के सीहोर की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में एक चिट फंड कंपनी के चेयरमैन को 250 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 6,50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद अहिरवार के मुताबिक चेयरमैन ने राशि दोगुनी करने की योजना बताकर 16 निवेशकों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की थी। अदालत ने मामले के अन्य दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। राहुल गांधी ने कहा, स्पीकर ने कहा वह मुझे लोकसभा में बोलने की अनुमति नहीं दे सकते, चाय पर बुलाया। लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें अपने चैम्बर में कहा कि वह उन्हें सदन में बोलने की अनुमति नहीं दे सकते। राहुल गांधी ने कहा कि स्पीकर सर मुस्कुराए और कहा कि वह अनुमति नहीं दे सकते, फिर उन्होंने मुझे चाय पर आमंत्रित किया। सदन में आरोपों का जवाब देना मेरा अधिकार था। कतर के अल थानी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदने के लिए लगाई 50,000 करोड़ रुपए की नई बोली। खबर है कि कतर के शेख जसीम बिन हमद अल थानी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को खरीदने के लिए नई बोली लगाई है। स्काई न्यूज के मुताबिक बोली लगभग 50,000 करोड़ रुपए की होने का अनुमान है। कतर के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हमद बिन जसीम बिन जाबेर बिन मोहम्मद बिन थानी अल थानी के बेटे अल थानी ने फरवरी में बोली लगाई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एवीज द्वीप में मिली प्लास्टिक की चट्टान। खबर है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एवीज द्वीप में समुद्री जीव वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक की चट्टान का पता लगाया है। IISER कोलकाता में बायोलॉजिकल साइंसेस के एक प्रोफेसर ने बताया कि भारत में पहली बार इस तरह की चट्टान मिली है। यह प्लास्टिक की चट्टान को प्लास्टिग्लोरोमेट कहा जाता है, जो कि रेत पत्थर के अंश सेल्स और अन्य चीजों से बनी होती है। यह एक तरह का प्लास्टिक प्रदूषण है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोवी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।